थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इन. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग इन. बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू एवरी वन. आई थिंक आई विल नाउ स्टार्ट द सेशन. वी विल वेट फॉर मोर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन अस. मीन वाइल गुड इवनिंग एवरी वन. नमस्ते. आशा करती हूँ आप सब अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं. सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं. आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे और कई लोगों के लिए शायद मैं नया चेहरा हूं. मेरा नाम आयुषी है. मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करती हूं. और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी सक्षम से. सक्षम, अगर हम जो हमारा अवेयरनेस वीडियो है चाइल्डहुड कैंसर के बारे में, तो टिल द टाइम मोर पीपल आर ज्वाइनिंग इन, जब तक मोर पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं तब तक हम वो वीडियो देख सकते हैं. सो इफ यू कैन प्लीज प्ले दैट अवेयरनेस वीडियो ऑन चाइल्डहुड कैंसर. क्या बच्चों में कैंसर होता भी है? तो जरूर होता है, लेकिन रेयर है. करीबन 150 बच्चे हर रोज कैंसर से डायग्नोज होते हैं इंडिया में. 3% सारे कैंसर जो हैं वो बच्चों के कैंसर होते हैं. बाकी 97% कैंसर जो हैं ये बड़ों में ही पाए जाते हैं, ज़्यादा उम्र में पाए जाते हैं. जो बड़े लोग होते हैं उनमें गुटखा खाने से, पान खाने से, तंबाकू से, सिगरेट से, इससे कैंसर हो सकता है. एक्सेसिव अल्कोहल से कैंसर हो सकता है. बच्चों में ये रिस्क फैक्टर नहीं होते. बच्चों के जो कैंसर हैं वो मैच्योर नहीं, इमैच्योर सेल, ब्लास्टीमल सेल से उत्पन्न होते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है. ये एक बीमारी ना होकर कई बीमारियों का समूह है. और इन बीमारियों का एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक है निरंतर बढ़ना और फैलना. अगर समय पर इस बीमारी का पता ना चले और सही रूप से इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है. आमतौर पर देखें तो 8,000 बच्चों में एक बच्चे को कैंसर होगा, पर उस एक बच्चे को बाकी के 7,999 बच्चों से अलग हम कैसे पकड़ें? ये एक बहुत मुश्किल काम होता है. और जो जनरल पीडियाट्रिशियंस और प्रैक्टिशनर्स हैं उनके हाथ में ये जिम्मेवारी होती है, और उनको हमेशा ये एक डाउट रखना पड़ता है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस, व्हेन एम आई गोइंग टू सस्पेक्ट दैट दिस चाइल्ड मे बी हैविंग अ प्रॉब्लम. अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चे हमारे पास कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो 8-10 महीने टीबी का ट्रीटमेंट पहले ले चुके होते हैं. क्योंकि हमारे कंट्री में टीबी इतना रैम्पेंट है, कोई भी लिम्फ नोड होती है तो उसको टीबी की तरह ट्रीट किया जाता है. तो कोई भी ऐसी गांठ जिसमें कि टीबी की दवाई से रेस्पॉन्स नहीं हो रहा, ये कैंसर का एक रूप हो सकता है. तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गांठ के लिए टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये सच में टीबी है और कुछ नहीं है. कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? जिस तरह से मैंने बताया, कैंसर कुछ बीमारियों का या कई बीमारियों का समूह है. अगर हम इसे ग्रुप करें तो हम कह सकते हैं रक्त कैंसर, लिम्फोमा और ठोस कैंसर. तो रक्त कैंसर से शुरू करते हैं. रक्त कैंसर के जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं लंबा बुखार, गर्दन में गिल्टियाँ, खून की कमी, जिगर और तिल्ली का बढ़ जाना, ब्लीडिंग, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द. इस तरह से कई लक्षण हो सकते हैं. जो ब्लड कैंसर हैं इनमें दो प्रकार के हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ALL और AML.
ALL stands for acute lymphoblastic leukemia. ये बच्चों का सबसे कॉमन कैंसर है. ये कैंसर बोन मैरो से अराइज होता है. बोन मैरो एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ पर हमारा ब्लड बनता है. ब्लड के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट काउंट. हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेट करना, WBC का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना, और प्लेटलेट काउंट का काम होता है शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग को रोकना. अब किसी वजह से इस बोन मैरो को कोई एबनॉर्मल सिग्नल मिले और ये जो चीज़ें बनाना चाहते हैं वो ना बनाएं और उसकी बजाय कोई ख़राब सेल बनाना शुरू कर दें जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, तो ये एक ब्लड कैंसर है. दूसरा कैंसर जो बच्चों में कॉमन है वो है लिम्फोमा. हमारे शरीर में लिम्फैटिक ग्लैंड्स होते हैं और लिम्फैटिक ग्लैंड्स के कैंसर को हम कहते हैं लिम्फोमा. हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये दो प्रकार के लिम्फोमा होते हैं. अगर मैं कहूँ कि ब्लड कैंसर 25% कैंसर होते हैं बच्चों वाले, तो लिम्फोमा होंगे हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस मिलाकर के करीब 10-12%, और ठोस कैंसर, ब्रेन कैंसर बाकी के होते हैं. तो अब इनका लक्षण क्या होगा? लिम्फोमा के लक्षण होते हैं गिल्टियों का बढ़ना. तो गिल्टियाँ कहीं भी हो सकती हैं, गर्दन में, बगल में, जांघ में, पेट में, छाती में, कहीं भी. और जब ये बढ़ते हैं तो शुरू में दर्द नहीं होता है, तो दर्दहीन लिम्फ नोड की बढ़त होती है. और ये बढ़ने के साथ साथ फिर बुखार, जिगर तिल्ली का बढ़ना, ये भी हो सकता है. अगर ये बोन मैरो में चला गया तो खून की कमी, ये भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है. और इनका जो है प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकते हैं. छाती में होगा तो खांसी, पेट में होगा तो पेट में दर्द, आंत में रुकावट. तो इस तरह से अगर हम देखें, कोई एक लक्षण नहीं है लिम्फोमा का, कई सारे लक्षण हो सकते हैं. और सही तरह से इनका जाँच, इनका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है. यहाँ पर स्वेलिंग हो गई थी लिम्फ नोड में, तो मुझे एक्चुअली 6 महीने लगे थे हॉस्पिटल्स में पता लगाने में क्या है. फिर बायोप्सी हुई, फिर राजीव गांधी फाइनली आके डायग्नोस हुआ, और कहीं डायग्नोस नहीं हुआ था ढंग से. अब अगर हम चले ठोस कैंसर पे, तो ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं और ब्रेन के बाहर वाले ठोस कैंसर हो सकते हैं. तो ब्रेन कैंसर के जो लक्षण होंगे वो हो जाएंगे कि सिर में दर्द, सुबह उठेंगे तो बहुत तेज़ दर्द और उल्टी के साथ, और ये भी सुबह होता है. इसके साथ देखने में धुंधलाहट या मुंह का टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर में लकवा होना. ब्रेन ट्यूमर के लिए हमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें एक न्यूरोसर्जन, एक रेडिएशन स्पेशलिस्ट और एक चाइल्डहुड कैंसर जो कीमो में स्पेशलिस्ट है उसकी ज़रूरत होती है. सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन ट्यूमर में. अच्छा सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है ताकि जितना ट्यूमर मैक्सिमम सेफली रिसेक्ट किया जा सकता है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर कि हमारा आउटकम डिपेंडेंट होगा. उसके बाद ब्रेन ट्यूमर के टाइप के अनुसार उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी का रोल अलग अलग होता है. ब्रेन ट्यूमर में अक्सर बच्चों के जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, उसको फिट्स आ सकते हैं, उसकी आंखों में टेढ़ापन आ सकता है, चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है. ये अर्ली साइंस हो सकते हैं जो कि प्रिडिक्टर हो सकते हैं कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है. तो ये कभी भी सिम्टम्स होते हैं तो हमें हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए. अगर हम चले अब बाकी के जो ठोस कैंसर हैं, तो उनका जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है कहीं गिल्टी होना. तो गिल्टी शुरुआत में दर्दहीन होगी, हाथ पे, टांग पे, बाहों पे, छाती पे, मुंह पे, कहीं भी हो सकती है. कोई जगह नहीं है जहाँ ये नहीं हो सकती है, लेकिन इसका कैरेक्टर है कि ये निरंतर बढ़ता जाएगा. अगला जो बच्चों में कैंसर होता है वो है विल्म्स ट्यूमर और न्यूरोब्लास्टोमा. ये ट्यूमर जो है कि पेट में एक गांठ की तरह होते हैं. अक्सर विल्म्स ट्यूमर किडनी का ट्यूमर होता है. इसमें बच्चा देखने में बिल्कुल ठीक होता है, कुछ पता नहीं चलता, मदर बच्चे को नहला रही होती है और इंसिडेंटली डायग्नोज होता है कि बच्चे को कोई माँ फील करती है कि वहाँ पर कोई गांठ है. और ये एक अर्ली साइन हो सकता है. तो ऐसा कुछ भी गांठ जो कि चाहे कोई सिम्टम ना कर रहा हो और बिल्कुल एसिम्टोमेटिक बच्चा हो, तो भी आपको इसके लिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए. आज के टाइम में हमें ट्रीटमेंट इस तरह से देना है कि वो क्योर भी हो जाएं और उनके आने वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फर्क भी ना पड़े. इसको हम बोलते हैं रिस्क एंड रेस्पॉन्स बेस्ड थेरेपी. सो हर एक बच्चे के लिए ट्रीटमेंट अलग से डिजाइन होता है डिपेंडिंग ऑन कि उसके कैंसर की स्टेज क्या है और उसका रेस्पॉन्स कैसा है. इलाज से पहले कैंसर का सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है. इसके लिए कोई मुश्किल या हाईफाई जांच की जरूरत नहीं होती है.
जैसे कि ब्लड कैंसर का शक साधारण ब्लड टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट से हो जाता है और बोन मैरो टेस्ट इसे कंफर्म कर सकता है। लिम्फोमा और ठोस कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टुकड़ा जांच या बायोप्सी जरूरी होता है, इसके बाद ही इलाज शुरू होना चाहिए। कैंसर ट्रीटमेंट की चार मेन मॉडलिटीज हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कीमोथेरेपी क्या है? जो कैंसर की दवाइयाँ बच्चों के कैंसर क्योंकि बहुत तेज रूप में बढ़ते हैं तो इनका रिस्पॉन्स कीमोथेरेपी से भी बहुत ही फास्ट होता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ये जो हैं दवाइयाँ, ये हम इंजेक्शन या टैबलेट के रूप में देते हैं, पर आम तौर पे हम इनको ग्लूकोज में मिश्रण करके ड्रिप में देते हैं। बच्चों में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उनके शरीर में कोई अपंगता नहीं छोड़नी है, कोई भी उनको डिसेबिलिटी नहीं देनी है, और जितने भी अंग हैं जिनको बचाया जा सकता है कैंसर वाले अंग के अलावा उनको हम बचा पाएं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी। काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गई हैं जिसमें कि हड्डी के बदले मेटल के इम्प्लांट्स लग जाते हैं, बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल तरीके से चल पाते हैं, अपनी सारी दिनचर्या कर पाते हैं, किसी और के ऊपर उनको निर्भर नहीं होना पड़ता है। रेडियोथेरेपी एक और मॉडलिटी है जो कि कुछ कैंसर में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक लोकल थेरेपी की तरह काम करती है। कुछ कैंसर्स में हमें लोकल थेरेपी का ज़रूरत होता है, स्पेशली सॉलिड ट्यूमर्स में रेडियोथेरेपी वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेडियोथेरेपी बच्चों में देने का एक चैलेंज ये है क्योंकि हमें उस दौरान बच्चे को एक स्टिल पोजिशन में लिटाना पड़ता है, तो कभी कभी हमें छोटे बच्चों के लिए इसके लिए एनेस्थीसिया का यूज़ भी करना पड़ता है ताकि जहाँ हमें रेडियोथेरेपी देनी है उसी पार्ट को मिले और नॉर्मल टिश्यू को बिल्कुल भी अफेक्ट ना पड़े। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेनली दो तरह का होता है, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं, उनको हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं और रेस्क्यू की तरह उनके स्टेम सेल्स वापस उनको दे दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया मेनली लिम्फोमा और न्यूरोब्लास्टोमा में बच्चों में यूज़ होती है। इसके भी कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, जैसे कि बहुत एडवांस लिम्फोमा या रिकरेंट लिम्फोमा में या फिर स्टेज 4 न्यूरोब्लास्टोमा में जल्दी ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैंसर और ब्लड के दूसरे बीमारियों में यूज़ हो सकता है। जनरली बच्चों में 70-80% ल्यूकीमियाज बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ हाई रिस्क ल्यूकीमियाज में और जिनमें ल्यूकीमिया वापस आ जाता है उसमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। बच्चों का कैंसर क्योंकि क्यूरेबल है तो इसका जो इलाज है वो बच्चों के कैंसर विभाग में ही होना चाहिए, जहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर्स भी हैं, ट्रेंड नर्सेस भी हैं और ट्रेंड सारे दूसरे स्टाफ भी हैं, और जहाँ पे सारी तीनों ट्रीटमेंट शैलियाँ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए। जिस हॉस्पिटल में उसका डायग्नोसिस हुआ था वहाँ की जो पीडियाट्रिशियन थी उन्होंने हमें स्पेसिफिकली बोला कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं कराना है, आपको सही जगह पे जाना चाहिए इसका इलाज कराने। और हम एक ऐसे अस्पताल में गए जहाँ पे सिर्फ पीडियाट्रिक कैंसर का एक अलग यूनिट है और वहाँ पे स्पेशल डॉक्टर्स हैं जो इस डिजीज़ को समझते हैं और इसका क्योर कर सकते हैं। राजीव गांधी में बच्चों का अलग से विभाग है, पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट, और यहाँ पे 18 साल तक की उम्र के बच्चों की बीमारियों का इलाज होता है। सो आई होप आप सब ने वीडियो देख के कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करी होगी। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी ताकि सेशन के दौरान हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप सब पार्टिसिपेंट्स ने अपने माइक ऑफ करके रखे होंगे और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अपने माइक ऑफ कर दीजिए। इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रक्शन प्लीज प्लीज स्टे ऑनलाइन एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन जूम। ऑल्सो आप लिंक पे फिर से शेयर फिर से क्लिक करके आप फिर से मीटिंग को रीजॉइन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, और अगर हम सेशन के दौरान उन क्वेश्चंस को आंसर ना कर पाए तो हम आपको पर्सनली उन क्वेश्चन का आंसर करना चाहेंगे इफ वी हैव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी ऑफ RGCIARC
एंड बाय आशाएं विच इज आवर चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप अलोंग विद एमक्योर. This initiative is taken to raise awareness about childhood cancer and life after cancer. This is the first time that we are going online with our support group meeting. And I would like to welcome everyone who has joined us. मैं अब चाहूंगी कि हमारे CEO सर, अगर सर मुझे सुन सकते हैं तो सर DS नेगी सर अगर मुझे सुन सकते हैं and if you can address the audience, it will be really nice. Thank you Aishi. Dr. Gauri, how are you? So thank you very much for inviting me to this support group meeting, and this is for the first time I think we are holding online because of the pandemic the whole world is facing today. And it's a very dynamic group. I've been attending for now quite some time, for many years, in fact. And the objective, you all know, all of you know about it, and how we have progressed in the pediatric cancer treatment over the last, I think, 15 years or so, I think is a history. And with the dynamic team under Dr. Gauri and others, Sandeep, Dr. Shalini, and others, I think we are doing a human service to everyone. And I know it's a very traumatic experience for the patients, their parents, and the relations, because as we find that this is a disease, I think, which gives a lot of, I think, initial probably shock. But then I think, as Dr. Gauri has been saying right from the beginning, that the pediatric cancer is treatable. It's curable, and provided we, I think, bring the child on the right time to the hospital. So I think it's a great, I think, a ray of hope for everyone who comes here. And the traumatic experience in terms of the physical, in terms of mental, and also, of course, from the financial point of view. I'm very happy to say that the Dr. Gauri and his her team has been able to garner a lot of support for the pediatric cancer patients. And I hope we'll continue to do this. And for your information, in fact, we have formed a vertical corpus called Pediatric Cancer Fund in our this. I think we have got I can't say substantial, but I think we have got some money. And our endeavor in the next 1 or 2 years will be to really promote and reach out to various the high-end groups, the corporations and others, so that we can get lot of you know, the donation. And this donation of the corpus, the main, I think, the principal amount will remain intact, and whatever interest will accrue on this, we would like to spend on the welfare of the children and the treatment of the children. So I think with these words, once again, I think I must thank all of you for inviting me. And wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir, for your words of advice and encouragement. And I think with these words, we will move on. And Ayushi, you may take over. Thank you so much, sir, for your kind words. To program ki shuruaat karne se pehle, hum ek prayer karna chahenge. And after the prayer, I'm going to introduce our panelists, and then we can start with the question and answers round. So we'll start with the prayer. Sambhadadvam Sambho Manan
सी जानता हूँ, शंभो मनासी जानता हूँ। देवा भागम यथा पूर्वे, देवा भागम यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना So now we'll now start with the session. I would like to introduce our panelists, although they don't need any introduction. In introduction ki zarurat nahi hai, lekin fir bhi hum apne panelists ko introduce karna chahenge. We have with us Dr. Gauri Kapoor. She is the director and head of Department of Pediatric Hematology Oncology, RGCIRC. She joined RGCIRC in May 1997 and developed the Department of Pediatric to its current status. She's a leading pediatric oncologist and carries an experience of 26 years in pediatric medical oncology. She has also worked in Tata Memorial Hospital, Mumbai and St. Jude Children Research Hospital in US. She is a recipient of Heinz Fellowship by Royal College of Pediatric and Child Health London. She is currently the chairperson of the Pediatric Hematology Oncology Chapter of Indian Academics of Pediatrics, Chair INPOG Late Effects Committee of IAPS, and the chairperson of Infection Control Committee, RGCIRC. In recognition of her administrative skills, she holds the additional responsibility of medical director of our institute at Niti Bagh facility, South Delhi. Her interest in academics and research is well known, and she has more than 75 publications in peer-reviewed journals. Her area of interest include pediatric leukemias, molecular oncology, stem cell transplant, survivorship, and awareness program for children, for general public, as well as for the practitioners. Our next speaker is Dr. Sandeep Jain. He is a leading pediatric hematology oncologist in India with more than 10 years of experience in this field. His primary area of interest is hematological and non-hematological malignancies in children and adolescents, including BMT, for various benign and malignant indications. He has a goal to provide affordable and standard care treatment to all children with blood and cancer disorders. In addition to patient care, he is also involved in the clinical research and trial studies for pediatric leukemia, lymphomas, and solid tumors. He is a teaching faculty for fellowship program of pediatric hematology oncology, accredited by National Board of Examination. Our next panelist, Dr. Shalini Mishra, is one of the few pediatric surgical oncologists in India exclusively practicing in this field. She has a vast experience of more than 15 years in pediatric surgery, including pediatric surgical oncology, pediatric urology, pediatric thoracic surgery, and neonatal surgery. She routinely performs surgeries for solid tumors in children and adolescents, like Wilms tumors, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, malignant germ cell tumor, Ewing sarcoma, testicular and ovarian tumors, hepatoblastoma, and other soft tissue sarcoma. She also conducts periodic hands-on training courses of chemoport insertion for doctors coming from all over the India. On behalf of every one of us, I would like to welcome all our panelists, all our experts. Thank you so much for giving us your time. And I think we can now start with the question answers round. Can we have the so first hamare slide? Pass, yeah.
तो हमारे पास ये जो भी क्वेश्चंस आए हैं, इन सब क्वेश्चंस को हमारे सर्वाइवर्स, सर्वाइवर के पेरेंट्स और कुछ ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट्स के पेरेंट्स ने भी जानने की कोशिश करी है. वी हैव ट्राइड कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाए उतने ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What all precautions do we need to take during this pandemic? इस pandemic के समय, इस महामारी के समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? और ये मेरा question है डॉक्टर कौरी कपूर से. तो मैम अगर आप हमें इस बारे में कुछ बता पाएं. So thank you Ayushi and good evening everybody. I am truly delighted to be here today at this survivorship support group meeting. RGCI के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको स्वागत है, हार्दिक स्वागत है और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ वंडरफुल फ्यूचर. कमिंग ऑन टू कोविड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान सिटी में ये शुरू हुआ था और तब से अब तक ये महामारी का रूप ले चुकी है और पूरी दुनिया में फैल गई है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट कई लाखों लोगों को इस बीमारी से इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी अच्छा और कोई भी ठोस ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है इसके लिए अभी तक. इट्स अ न्यू डिजीज, वी डोंट नो रियली हाउ टू ट्रीट इट प्रॉपरली. सो वॉट इज अवर बेस्ट वेपन? सो बचाव या प्रिवेंशन, ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है इस पैंडेमिक के लिए, इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए. सो इसके बचाव के लिए आप सब टीवी देखते होंगे, आप सब के पास आरोग्य सेतु ऐप भी होगा और आपने देखा होगा कि इसमें जो मेन तीन चीजें हैं वो ये है कि किस तरह से हम अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं इससे. नंबर वन है सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप किसी और से 3 या 6 फुट की दूरी हमेशा मेंटेन करेंगे. ये इसीलिए क्योंकि अगर वो बंदा, ये जो वायरस है इसकी सिक्रीशंस हमारे थूक में और हमारे मुंह के नाक के सिक्रीशंस में से आता है, इसमें भरा हुआ होता है ये कीटाणु. सो हम जब जोर जोर से बातें करते हैं, खांसते हैं या स्नीज करते हैं तो ये जो है हवा में चला जाता है और जो भी हमारे आसपास है वो अपनी सांस के साथ अंदर इसे ले सकता है और उसे ये इन्फेक्ट कर सकता है. सो सोशल डिस्टेंसिंग इज नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है मास्क पहनना. सो अगर मास्क पहनना है तो मास्क भी इसीलिए है ताकि हम अपना वायरस दूसरे को ना दे और अगर दूसरे को है तो अपने को ना मिले. इन एडिशन ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट में होता है और ये जो है ये जब हम बोलते हैं, खांसते हैं तो किसी भी सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाता है. सो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ सैनिटाइजर, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉपरली सोप एंड वाटर से हाथ धोया जाए और प्रॉपरली सैनिटाइजर यूज किया जाए जिसमें हाथ के सारे सर्फेसेस प्रॉपरली क्लीन हो जाएं. सो ये तीन हमारे मेन हैं. नेक्स्ट ये है कि अगर हम इसी चीज को थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम घर में रहते हैं, स्टे एट होम अनलेस इट इज एसेंशियल. सो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए हम घर नहीं जाएं, जो आई एम श्योर आप लोग, ईच वन ऑफ यू इज डूइंग दिस बिकॉज most people are now trying to work from home, do the studies online, and unnecessarily restaurants and you know crowd social gatherings ko hum avoid kar rahe hain. Next, so isi cheez ko hum aur thode detail mein, next slide please. Ye teen iska summary hai aur agar hum next slide dekhte hain to ye hai ki clean your hands often. What is the meaning of clean your hands often? It means 8-10 baar to use zarur kariye और हैंड सोप एंड वाटर से जरूर करिए. एंड 20 सेकंड्स का टाइम मिनिमम है, इससे ज्यादा आप धो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं क्योंकि कीटाणु को अच्छे से हाथ से उतारने के लिए हमें 20 सेकंड्स के लिए सोप एंड वाटर हैंड वॉश करना है या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करना है. दूसरा हमने बात किया कि वी मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल और अगर आपको खांसी या स्नीजिंग होता है, नेक्स्ट स्लाइड, तो उसको जरूर से हाथ में खांसी ना करें लेकिन या हैंडकरचीफ में या टिश्यू में और या फिर एल्बो में, हाथ की कोनी में करें क्योंकि हम हाथ अक्सर इस्तेमाल करते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ काम करने के लिए. हम फेस भी टच करते हैं, स्क्रैच करते हैं तो उसमें ये हैंड जो है ये
इस्तेमाल होता है। तो हाथ से, हाथ के ऊपर खांसी या स्नीज ना करें, ये जरूरी है। और बार बार मुंह टच ना करें। रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि आम आदमी एक मिनट में करीब करीब 10 से 20 बार मुंह छूता है। सो ट्राई नॉट टू टच योर आईज, नोज, माउथ फ्रीक्वेंटली, बिकॉज योर हैंड्स आर टचिंग वेरियस सर्फेसेस, सो दे मे हैव गॉट कंटेमिनेटेड विद द वायरस, सो प्लीज अवॉइड। ठीक है, सो ये चीजें हैं। आई थिंक ये चीजें आप कई बार सुन चुके हैं, पर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें निभाना बहुत जरूरी है इफ वी वॉन्ट टू प्रिवेंट आवर सेल्व फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। Very, very rightly said, ma'am. So, social distancing is very important. Hand hygiene बहुत important है. Hand wash करना है, hand rub करना है for at least 20 seconds. Mask पहनना बहुत जरूरी है. और उसके अलावा जितना हो सके आप अपने घर पर रहिए, unless आपको कोई बहुत ही essential काम के लिए बाहर निकलना है. So, moving on to the next question. मेरा next question Dr. Sandeep Jain से है. Sir, how do we maintain good hygiene during this pandemic? How to wear the mask? How to wear the mask properly, and how to maintain good hygiene? You can hear me now? Yes, okay. Sir, we can hear. Yeah. जैसा कि मैम ने अभी बताया कि कोरोना से बचाव करने के लिए जो तीन महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं वो हैं सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड मास्क पहनना। सो सिर्फ मास्क पहनना ही जरूरी नहीं है, मास्क को ठीक से पहनना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम मास्क को ठीक से नहीं पहनते हैं तो हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हमने तो मास्क पहना हुआ है तो अब हमें कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन मास्क को ठीक से ना पहनना मास्क ना पहनने के बराबर ही है। इसीलिए जरूरी है कि मास्क को ठीक से पहना जाए। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि मास्क को ठीक से कैसे पहन सकते हैं। आयुषी, कैन यू रन द वीडियो? जो फर्स्ट स्टेप है मास्क यूज करने से पहले वो है हमें साबुन और पानी से अपने हाथ धोने हैं। जो स्टेप टू है, आई थिंक देयर इज गैप बट स्टिल आई कैन गो। सो जो दूसरा स्टेप है उसमें ये है कि आई थिंक ये उसके साथ सिंक नहीं कर रहा है। एनीवेज स्टेप टू है कि जब हम मास्क को पकड़ रहे हैं तो उसको स्ट्रैप से पकड़ें और उसके फैब्रिक को टच ना करें और उसको अपने कानों तक लगाएं। तीसरा स्टेप है कि हम उस मास्क को अपने हाथ से बाद में स्ट्रेच करके उसकी नाक, अपनी नाक और चिन को पूरी तरह से कवर कर लें और जो नाक है उसको अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से पिंच कर लें ताकि हमें बार बार मास्क को टच ना करना पड़े और उसको एडजस्ट ना करना पड़े। और अंत में जब भी हमें मास्क को निकालना है तो हमें मास्क का स्ट्राइप पकड़कर उसके बाद ही उसको निकालना है और उसको प्रॉपरली डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करना है। इसके साथ हमें कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं जो हमें मास्क के साथ लेनी है। जब भी हम मास्क उतार देते हैं तो उसके बाद दोबारा हमें साबुन पानी से अपना हाथ धोना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, यदि हमारा मास्क गंदा हो गया है या गीला हो गया है तो उसको तुरंत चेंज करना है। इसके अलावा मास्क के दो सरफेस होते हैं, एक होता है डार्क सरफेस और एक होता है लाइट सरफेस। तो हमेशा जो डार्क सरफेस है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और लाइट सरफेस है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। जब भी हम मास्क पहन रहे हैं तो नोज और चिन हमारी पूरी तरह से कवर होनी चाहिए। So, ये सारे स्टेप्स यदि हम ठीक से फॉलो करते हैं तो हम मास्क का एक एप्रोप्रिएट यूज कर सकते हैं। और एक बात जो और ध्यान में हमें रखनी चाहिए, जो ये मास्क है ये सोशल डिस्टेंसिंग का अल्टरनेटिव नहीं है। हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हम मास्क पहन के क्राउडेड प्लेसेस में जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनने के बावजूद भी उतना ही जरूरी है जितना के बिना मास्क। सर, मास्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है अभी चैट बॉक्स में। वो ये जानना चाहते हैं कि जो फिल्टर वाले मास्क होते हैं या जिसमें वॉल्व होता है, आर दे अ गुड टाइप ऑफ मास्क टू वेयर?
एक्चुअली यदि देखें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिसेंटली ही वॉल वाले मास्क का यूज बिल्कुल मना करने के यूज ना करने के लिए हिदायत दी है, क्योंकि जो मास्क वॉल वाले होते हैं वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो हैं, लेकिन उससे आपका वायरस कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल नहीं है. सो इन जनरल दीज मास्क आर नॉट एडवोकेटेड. सो वॉल वाले मास्क हमें यूज नहीं करने हैं. So I hope the person who had raised the question might have got the answer कि वो मास्क सेफ नहीं है. आप उसके अलावा सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क यूज कर सकते हैं. और जनरल पब्लिक के लिए N95 मास्क की जरूरत नहीं है. वो फैब्रिक मास्क को एप्रोप्रिएट ढंग से यूज करते हैं तो दैट इज एनफ. N95 मास्क सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और किसी स्पेशल कंडीशंस के लिए ही जरूरी है, अदरवाइज N95 मास्क जनरल पब्लिक के लिए नहीं. राइट. थैंक यू सर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर शालिनी. डॉक्टर शालिनी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. आर वी एट हायर रिस्क? द सर्वाइवर्स वॉन्ट टू नो, आर दे एट हायर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19? इफ एंड वेन द स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस रीओपन, वॉट प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड? Thank you, Ayushi. I hope I'm audible to everyone. Yes, ma'am, you're audible. So, just because क्योंकि आपको पहले बीमारी हुई थी और अब इलाज करके आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा है. आपका रिस्क उतना ही है जितना हम में से किसी का या जो भी सड़क चलते किसी भी इंसान का है. तो ये भ्रम आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि क्योंकि मुझे 10 साल पहले बीमारी हुई थी तो शायद मुझे ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. तो ये अच्छी बात है. हाँ, जिनका ट्रीटमेंट अभी इलाज चल रहा है, जिनका अभी करंट में इलाज चल रहा है या कोई मेंटेनेंस पे है या कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां ले रहे हैं या स्टीरॉइड ले रहे हैं, उनको हो सकता है कि उनके लिए रिस्क ज्यादा हो. ठीक है. और जहां तक बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस खुल रहे हैं धीरे धीरे, हो सकता है स्कूल्स भी खुल जाएं सितंबर से, तो हमें कैसे प्रिकॉशन लेना है. अब कॉलेजेस और ऑफिसेस में बड़े लोग हैं, उनको हम समझा सकते हैं, पर बच्चों को समझाने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर क्योंकि 4 महीने बच्चे बिल्कुल घर पे रहे हैं, हमने उनको बिल्कुल बाहर जाने नहीं दिया है. तो घर पे अब मेरे ख्याल से तो उनकी आदत हो गई है घर पे रहने की और वो लोग काफी कंफर्टेबल हैं घर पे रहने के लिए. तो अब जब उन्हें स्कूल अगर भेजना पड़ेगा फ्यूचर में कभी भी 2-3 महीने बाद, जब भी गवर्नमेंट का डायरेक्शन आएगा, तो हमें थोड़ी कठिनाई तो सामना करने की जरूरत पड़ेगी. लेकिन घबराना नहीं है. मेरे ख्याल से सारे स्कूल्स भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं. एक होता है कि स्टैगर्ड अटेंडेंस, यानी कि सारे बच्चों को हम एक साथ नहीं बुलाएंगे. तो मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो में 3 दिन हम 20-20 बच्चों को बुलाएंगे, उनको दूर दूर बिठाएंगे, सब बच्चों को मास्क पहनना पड़ेगा. बहुत छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है मास्क पहनना, तो हो सकता है बहुत छोटे बच्चों के लिए स्कूल ना खुले. फेस शील्ड भी पहन सकते हैं कंफर्ट के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से. आपस में दूरी रखनी है, ये हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा. टीचर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको ये ध्यान दें कि हाँ बच्चे अच्छी तरह से डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं. अब ये सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है उसमें एक गलती है. सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को एक दूसरे से दोस्ती तोड़ दें या उनसे बिल्कुल बात ही ना करें. नहीं, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है सही मायने में. सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हमें एक दूसरे से मिलते, मतलब ऑनलाइन या वर्चुअली या डिस्टेंस से मिलते रहना चाहिए जैसा कि अभी हम मिल रहे हैं. पर हाँ, फिजिकल डिस्टेंस कम से कम 2 मीटर की दूरी हमें मेंटेन करनी है. बार बार हाथ धोने का या सैनिटाइजर यूज करने का भी एक आदत हमें डालना है बच्चों में. और मे भी एक उपाय ये हो सकता है कि हर 1 घंटे में 1 घंटी बज जाए कि बच्चे, सारे बच्चे बारी बारी से जाके हाथ धोए एक साथ में. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. तो मैं जस्ट कुछ फोटोग्राफ्स देख रही हूँ. अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें खाना बच्चों को ये शेयर नहीं करना है. जैसा आपने इन फोटोज, ये हमारे देश के नहीं है, ये बाहर के देशों के हैं जहाँ जहाँ स्कूल्स खुल गए हैं, उन्होंने कैसे दूरी बना के रखी है, बीच बीच में क्रॉस लगा रखा है, प्लास्टिक के एनक्लोजर्स बना रखे हैं. कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर कि
ग्रुप में इकट्ठे हो, जैसे असेंबली है, कॉयर सिंगिंग है, ग्रुप स्पोर्ट्स है, वो सब चीजें नहीं होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे, बच्चों को हमें खुद छोड़ना पड़ेगा और खुद लेके आना पड़ेगा। और जो भी आपके लोकल स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है उसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, जस्ट कुछ पिक्चर्स हैं जहां जहां स्कूल खुल गए हैं लोगों ने अलग अलग तरीके बनाए हैं। ये नीचे वाली ग्रीन बॉक्स वाली पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने पुराने बैलेट बॉक्सेस उठा के और बच्चों को एक एक बैलेट बॉक्स के अंदर बिठा दिया है। नेक्स्ट प्लीज, कहीं प्लास्टिक शीट लगाई है, कहीं दूरी मेंटेन की है, और ये मार्किंग लगा रखे हैं अलग अलग डॉट्स या लाइन्स करके, बहुत छोटे बच्चों के लिए उन्होंने ये हुला हुप का प्रयोग किया है जिससे कि वो उनको समझ में आ जाए कि हमें एक एक हुप के अंदर रहना है। नेक्स्ट, सैनिटाइजिंग मशीन्स अगर हो सके बिना टच करने वाले। एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें अगर बच्चों को सैनिटाइजर देना है तो उनको जेल बेस्ड देना है, ये स्प्रे वाले नहीं देने, कभी कभी उनकी आंख में चला गया तो उससे नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, सो डॉक्टर शालिनी ने सैनिटाइजर के बारे में बहुत क्लियरली मेंशन किया कि जो जेल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं वो प्रेफरेबली हमें बच्चों के लिए यूज करने चाहिए। चैट बॉक्स में अभी किसी ने पूछा था कि किस तरह के सैनिटाइजर हमें बच्चों के लिए यूज करने चाहिए, सो आई थिंक दैट क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड नाउ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ आई गेट इन्फेक्टेड विद COVID-19? कुछ पेरेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे को COVID-19 हो गया है या वो संक्रमित हो गए हैं कोरोना वायरस से तो क्या करें। दिस क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर गौरी। सर, इस चीज में इज माय वॉइस ऑडिबल? यस मैम, ऑडिबल। ओके, तो वी मस्ट रिमेम्बर के 80% ऑफ द पर्संस हु आर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस हैव आइदर ओनली माइल्ड सिम्टम्स और दे हैव नो सिम्टम्स एट ऑल। So, 80% लोगों को जब कोरोना से इन्फेक्शन होगा, जब वो संक्रमित होंगे, तो या तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना हो रहा है, या फिर हल्का फुल्का गले में खराश, हल्की फुल्की शरीर में दर्द, थोड़ा बहुत 99 फीवर होगा। तो माइल्ड सिम्टम्स 80% में होते हैं। 15% देखा गया है रिसर्च के हिसाब से कि सीवियर इन्फेक्शन होता है, इसका मतलब उनको सांस में तकलीफ होती है, उनको हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और 5% जो है वो क्रिटिकल हो जाते हैं, जैसे आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें अगर आपका इलाज 1 साल से ज्यादा पुराना रहा तो आप अपने आप को नॉर्मल पर्सन को मान सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी को क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, स्मोकर हैं, एल्कोहलिक हैं, इनको सीवियर इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। सो एक तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है, क्योंकि मोस्ट पीपल विल हैव माइल्ड सिम्टम्स, होम क्वारंटाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसका क्या मतलब है कि घर में रहें, रेस्ट लें, लिक्विड्स लें, डाइट प्रॉपर लें, ओवर एग्जर्शन नहीं करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों से ना मिलें ताकि आप अपने इन्फेक्शन को दूसरों को नहीं स्प्रेड दें। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लोकल डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, टेस्ट करवाएं अगर वो कहते हैं, और उनकी गाइडेंस में रहें, उनकी निगरानी में रहें, ताकि अगर आपके कोई भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है या नहीं। और तीसरा ये, हर शहर में और हर देश में एक लोकल एडवाइजरी है लोकल अथॉरिटीज की, तो उसको जरूर फॉलो करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपके डॉक्टर कहते हैं सिम्टम्स ज्यादा हैं, या फिर आपका उम्र बहुत ज्यादा है, आप एल्डरली हैं, या फिर आपके लंग या हार्ट में पहले से ही कोई बड़ी बीमारी है, तो इन स्थितियों में हम इनको ज्यादा हॉस्पिटलाइज करते हैं। नहीं तो माइल्ड सिम्टम्स में होम क्वारंटाइन, रेस्ट, फ्लूइड्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड डोंट मीट पीपल, प्लीज डोंट ट्राई नॉट टू स्प्रेड द वायरस टू अदर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सक्षम। हेलो, सो इसमें ये है वार्निंग साइंस। आप लोग देख सकते हैं कि सांस में दिक्कत हो रही है, या फिर छाती में दबाव महसूस हो रहा है,
होठ नीले पड़ रहे हैं, या फिर आप ये सारी जो, या फिर आप सो नहीं पा रहे हैं या आप जाग नहीं पा रहे हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये गाइडलाइंस हैं कि इन चीजों में आपको अपने हॉस्पिटल जरूर जाना है, तुरंत जाना है। नेक्स्ट, आई थिंक दैट वॉज माई समरी के सिम्टम्स आर मोस्टली माइल्ड इफ बी इन टच विद योर डॉक्टर एंड इफ एनी ऑफ द वार्निंग साइंस आर देयर देन प्लीज get in touch with the local hospital and follow your local advisory. So the next question is, the next question is, what is leading to the increased number of childhood cancer cases? This question is for Dr. Sandeep. तो बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि बच्चों में आजकल ये चाइल्डहुड कैंसर की बीमारी इतनी बढ़ क्यों रही है? Okay, childhood cancer in fact एक common disease नहीं है, काफी rare है। इंडिया में करीबन 50,000 न्यू केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं, लेकिन हमने देखा है पिछले 10-15 साल में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ गया है इंडिया में भी, इवन शहरों में गांवों में भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज काफ़ी बढ़ गई हैं, और चाइल्डहुड कैंसर को डायग्नोज करने के लिए एक्चुअली कोई बहुत हाई फाई टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। सिंपल टेस्ट लाइक CBC, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मोस्टली इन सिंपल इन्वेस्टिगेशन से चाइल्डहुड कैंसर को डायग्नोज किया जा सकता है। सो Saksham, is there a problem? No, I think what Dr. Sandeep said was not audible. Yes, Dr. Sandeep, you were not audible. Can you talk again? Sandeep, okay, can you put your earplugs? Put your earplugs. शुरू से आवाज नहीं आई थी या बीच में से आवाज नहीं आई? Excellent, अब आ गई, अब आ गई. अब आ गई आवाज. तो सिंपल टेस्ट लाइक CBC, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सिंपल टेस्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाइल्डहुड कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, और पिछले 10-15 साल में देखें तो इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है और ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी काफी बढ़ गई है और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। डिफरेंट कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिससे कि चाइल्डहुड कैंसर के बारे में अवेयरनेस जनरल पब्लिक में भी और इवन जनरल फिजिशियंस में बढ़ी है। हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत जरूरी है चाइल्डहुड कैंसर के लिए क्योंकि ये कॉमन डिजीज नहीं है। देयरफॉर हमें ऐसा लगता है कि जैसे चाइल्डहुड कैंसर बढ़ गया है लेकिन शायद ज्यादा केसेस डायग्नोज हो रहे हैं और ज्यादा बेटर टेस्टिंग है। Therefore, we are. Hello. Awaaz. Okay. We are good. Sunai de raha hai, sir. Dr. Sandeep, you are frozen for us. Not a problem. I think Gauri ma'am, can you take over this part? अगर हम देखें basically क्या है कि लोग को ऐसा लगता है जैसे कि childhood cancer बढ़ रहा है। Overall cancer आप देखो दुनिया में बढ़ ही रहा है, population भी बढ़ रही है और pollution भी बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास baseline data भी नहीं है, इंडिया में हर cancer case को हम registry में नहीं डालते हैं तो हमें पता भी नहीं है पहले कितने cases थे, लेकिन ये हमें पता है कि हमारे पास टेस्ट नहीं थे, लोगों में जागरूकता नहीं थी। सो ये तीनों चीजें हैं जिसकी वजह से
कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी. सो बेटर टेस्टिंग, मोर अवेयरनेस एंड देन मोर डेटा बीइंग कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द वेरियस पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रीज इज मेकिंग द नंबर्स लुक लार्ज. प्लस वी हैव अ लार्जर पॉपुलेशन कंपेयर टू बिफोर. 10 साल पहले और आज में तो कितने गुना पॉपुलेशन बढ़ गई है. सो इन सब फैक्टर्स से कैंसर बढ़ रहा है. ऑल्सो इन्फेक्शन से लोगों को अब मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन है, हाइजीन बेटर है, तो इन्फेक्शन कम है. सो पीपल आर लिविंग लॉन्गर, दोज हू लिव लॉन्गर दे हैव मोर कैंसर. बट चाइल्डहुड कैंसर में ऐसा नहीं है. चाइल्डहुड कैंसर में तो ये तीन फैक्टर्स जो डॉक्टर संदीप ने बताए हैं ये ही है. कोई और क्वेश्चन होगा वी कैन टेक देम ऑन द चैट बॉक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is for Dr. गौरी कपूर मैम. मैम बहुत सारे बच्चे और सर्वाइवर्स और उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं that how to remain healthy after completion of therapy. तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कैसे हेल्दी रहा जा सकता है. सक्षम कैन यू पुट माई फोटोग्राफ देयर पिन अप ऑन द स्क्रीन और इज दैट नॉट पॉसिबल. ओके so we, how we can we stay okay you can okay 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 so question ye hai ki how to stay healthy. aapne who ke hisab se physical health bhi chahiye, mental health bhi chahiye aur social health bhi chahiye. ye tino cheeze jab hoengi tabhi hum apne aap ko healthy maan sakte hain. saksham I want the previous slide. to agar aap usme dekhe तो 5-6 चीजें ही हैं. नंबर 1 इज न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज एक्सरसाइज. ये तो दो चीजें हमेशा हमारे सामने आने वाली हैं. आपका वेट सही है क्या, तो आप यू शुड वॉच योर वेट. ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे वो आपकी उम्र और आपकी हाइट के हिसाब से आपको बता देंगे कि आपका एवरेज वेट कितना होना चाहिए. उससे 10% ऊपर नीचे इज एक्सेप्टेबल. फिर ये है कि आपका डाइट ठीक है, आप कितने कैलोरीज ले रहे हो और क्या आप एक्सरसाइज उतना कर रहे हो. जैसे लोग अभी मेरे को चैट बॉक्स में दिखा, मैम आई एम एट होम, आई एम एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम बट माय वेट इज इंक्रीजिंग एंड आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट. सो बेसिकली व्हाट इट इज, इफ आप जब नॉर्मली वर्क पे जाते हो आप कितना ज्यादा एक्टिविटी करते हो, उतनी एक्टिविटी तो आप कर ही नहीं पा रहे हो. सो इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम वी रेकमेंड आप थोड़ी थोड़ी आधे घंटे में खड़े होकर थोड़ा वॉक ले लीजिए, चाहे कमरे में लें कहीं भी लें. Try to get up every 30 minutes. Don't sit in front of the computer all the time. It's not good for you. दूसरा ये है कि आप जैसे social distancing, Dr. Shishali ने बहुत अच्छा बताया कि आप basically लोगों से physically मत मिलिए but try to be in touch with them through digital, through email, through WhatsApp groups. Stay in touch with people. Ask them how they are doing. Tell them what you are up to. And you can have, जिस तरह से हम Zoom meeting कर रहे हैं, आप इस तरह से activity कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट और भी कुछ 2-3 चीजें बताते हैं और वो ये है कि आफ्टर नो स्मोकिंग. मींस स्मोकिंग इज सपोज टू बी रियली, ये बहुत ही हानिकारक है, ये हमारे लंग्स को बहुत ही खराब कर देता है, टोटली जला देता है. और इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम देता है, कैंसर की प्रॉब्लम देता है. कैंसर खाली मुंह का नहीं, फूड पाइप का भी, हार्ट डिजीज देता है, हाई ब्लड प्रेशर देता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है. और हमारे बच्चे जिनको ट्रीटमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, जो कैंसर सर्वाइवर्स अब बड़े हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली नो स्मोकिंग एंड नो पैसिव स्मोकिंग. प्लीज डोंट सिट विद समवन एंड सोशलाइज फिजिकली विद समवन हु इज स्मोकिंग, बिकॉज यू विल डू पैसिव स्मोकिंग. इट इज वेरी वेरी हार्मफुल. इवन आपके घर में अगर कोई सोफे में बैठ के स्मोक कर रहा है, तो एक्चुअली वो स्मोक के जो निकोटीन के जो बर्न्ट पार्टिकल्स हैं, वो सोफा के ऊपर, कारपेट के ऊपर और पर्दों के ऊपर चिपक जाते हैं. और जब आप उनको छूते हैं और हाथ लगाते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको, आप उसको इनहेल कर लेते हैं, इंजन है वो, हानिकारक है. सो अगेन, कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर एंड लंग डिजीजेस, ऑल ऑफ देम अकर ड्यू टू स्मोकिंग एंड इट इज प्रिवेंटेबल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो फाइनल चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो है स्ट्रेस. हमारी लाइफ में स्ट्रेस तो है, स्पेशली इंडिया में इतने लोग हैं,
हर चीज के लिए इतना कंपटीशन है ना, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, एंट्रेंस एग्जाम है, फलाना है, तो हमें अपनी लाइफ में किसी वे में कुछ रिलैक्सेशन करना है. हैव फन यार, जो भी करते हो हैव फन, हैव फन, हैव रिलैक्सेशन. और जैसे आयुषी मैम आपको मेडिटेशन करवाती हैं, मेडिटेशन करो जो आपको ठीक लगे. मेडिटेशन करना है, कुछ और करना है, प्रेयर करना है, जो भी करिए कुछ करिए जिससे आप थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा हैप्पी फील करें. और जो भी आपके रिश्तेदार है ना, उनसे बना के रखिए. किसी से झगड़ा लेने की जरूरत नहीं है इस जमाने में, तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहिए हमें जितना हो सके, बट स्टैंड फॉर योर वैल्यूज, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देम. ठीक है जी. एक मैंने स्लाइड डाली थी, वो दिख नहीं रही है, वो हमारा एसीटी क्लिनिक कार्ड का स्लाइड था जिसमें वो 5 पॉइंट्स लिखे हुए थे. सक्षम, कैन यू सी इट? और आगे दिखा, नेक्स्ट. सॉरी मैम, कैन यू रिमूव योर हैंड, इट्स कवरिंग द कैमरा. ओके, यस, कैन यू, हाँ ये वाला, ये लेकिन बहुत अच्छे से नजर नहीं आ रहा है ना. और एक जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है वैक्सीनेशन, वो डॉक्टर संदीप लास्ट स्लाइड में बताने वाले हैं, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट राइट नाउ, बट यू नीड टू कैच अप ऑन योर वैक्सीनेशन. कई बार जब हम छोटे थे तो कुछ वैक्सीनेशन मिस हो गई थी, और कई बार ट्रीटमेंट के दौरान भी कुछ वैक्सीनेशन रह गई थी, तो ये बचाव की वैक्सीनेशन हैं, तो वी मस्ट गेट दीज. सो ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे, डाइट, एक्सरसाइज, वॉच योर वेट, अवॉइड स्मोकिंग, देन सेफ सेक्स. ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया, बट आई वॉन्ट टू रिएटरेट, एच आई वी एंड हेपेटाइटिस, ऑल दीज थिंग्स विद अनप्रोटेक्टेड सेक्स कैन हैपन एंड दे आर हॉरिबल, सो यू वॉन्ट टू बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, राइट. थैंक यू मैम फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन सो वेल. तो जैसे मैम ने कहा कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी करते रहना चाहिए, और एक्सरसाइज भी फन एक्टिविटी हो सकती है. यही चीज को दिखाने के लिए हमारे वॉरियर्स ने इस लॉकडाउन के समय किस तरीके से इस फन एक्टिविटी का लुफ्त उठाया है, आइए आपको दिखाते हैं. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं नहीं
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा Very nice. I hope it will motivate everyone to do exercise at home. It's not difficult to exercise at home. So very well done. This is how हमारे survivors घर पे ये सब exercises करके अपने आप को fit रखने की कोशिश कर रहे हैं. I would like to thank Saksham for editing the video, Dr. Navneet and Dr. Rashmi of the physiotherapy department of our hospital Rajiv Gandhi Cancer Institute for teaching our survivors these exercises. So thank you all. Moving ahead with the next question, which is for Dr. Shalini. A lot of parents have their queries. They want to know what to eat and what not to eat after the treatment is completed. तो बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए अच्छा नहीं है, once they complete their treatment is the question. थैंक यू आयुषी. सो आई थिंक खाने को लेके हमेशा ट्रीटमेंट के दौरान भी ट्रीटमेंट के बाद भी सवाल जवाब होते ही रहते हैं, है ना. और मुझे लगता है कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के खाने से खुश नहीं होते हैं. या तो उनको लगता है ये बहुत कम खा रहे हैं या उनको लगता है ये ज़्यादा खा रहे हैं. ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो इस बात से खुश होते हैं कि हाँ न्यूट्रिशन हमारे बच्चे का ठीक है. तो हमें खासकर ये लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो रही है जितनी की पहले हो रही थी, अब काफ़ी कम हो रही है, हम घर से बाहर भी कम निकल रहे हैं, तो हमें अपने खाने पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना है. तो हेल्दी खाना कोशिश करनी, ये एक्चुअली एक लाइफस्टाइल चेंज है. जब हमारा जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है बच्चों का, उस समय आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फिर धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती है. लेकिन वो जो समय है, उस समय जो खाने पीने के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक तरह से कुछ हद तक उसको हमें अपने जीवन में लाना है आगे के लिए, हमेशा के लिए, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी. क्योंकि प्रॉपर हेल्दी खाना जो है वो एक बहुत अच्छा एसेट है हमारे लिए एक हेल्दी लाइफ के लिए. उससे बहुत सारी चीजें जैसे ओबेसिटी होगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं. और कुछ ऐसे कैंसर भी हैं जो आगे चल के उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है. तो हम एम्प्टी कैलोरीज जिसको कहते हैं उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. कोई भी तली हुई चीज हो, आइसक्रीम, ज्यादा मीठी चीजें और तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें, ये सब को हम अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. सब्जियां ज्यादा खाएंगे. जो हेल्दी न्यूट्रिशन है वो बहुत जरूरी है. तो हमें एक आदत अगर हम डाल लें, यंगस्टर्स के लिए खासकर मैं बोलूंगी, एक आदत डालें, आप जो भी खा रहे हो उसको आप देखो, अगर पैकेट वाली चीज है उसमें पढ़ो उसमें कितना कैलोरी है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है. या आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आप गूगल पे देख सकते हो कि कोई भी खाने में किस चीज की मात्रा ज्यादा, क्या वो हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, तो हम उसको कम खाएंगे या कभी कभी खाएंगे. और जो चीजें हम खुले छूट में खा सकते हैं, जैसे सब्जियां हो गई,
फ्रूट्स हो गए, इन सब चीजों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता क्योंकि वो बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. उनको हम जब भी भूख लगे, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में उनको कुछ स्नैक खाने का मन करता है, तो उस समय अगर आप कुछ सैलड खा लें या कुछ फ्रूट्स खा लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लगभग 66% होता है हमारी डाइट का वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और 25% फैट्स होता है और लगभग 15% प्रोटीन होता है. तो ये कॉम्पोजिशन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में हो, तभी उसे हम बैलेंस डाइट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये एक फूड पिरामिड है. अच्छा, जंक फूड. ऑफ कोर्स जंक फूड की बहुत ज्यादा परेशानी होती है, पर मुझे लगता है ये लॉकडाउन ने काफी मदद की है जंक फूड को बंद करने के लिए, क्योंकि सारा डोमिनोज मैकडी वगैरह सब बंद हो गया है. पर मुझे पता है मम्मियां घर में बना रही हैं बर्गर पिज्जा, कोई बात नहीं, कभी कभार जो भी हो तो वो ठीक है. और घर में बनाई हुई चीज जरूर बेहतर होगी, उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, आप सब्जियां ज्यादा डाल सकते हैं. तो इसीलिए हमें जंक फूड कभी कभार ठीक है, मन किया कोई बच्चे का बर्थडे है चले गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. पर रेगुलर हर रोज जंक फूड खाना हमारे लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है. उसमें चीज बहुत होता है, नमक बहुत होता है, फैट बहुत होता है और फाइबर बहुत कम होता है. तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये फूड पिरामिड हम कहते हैं कि हमारे खाने में मात्रा कितनी होनी चाहिए. यह आप गूगल पे देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा खाने में मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स ही होती है, जो कि रोटी चावल वगैरह में होता है, सीरियल्स में होता है, ठीक है. उसके बाद हमारे आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो जो सबसे नीचे है उसकी मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उससे हमें सटाइटी मिलती है. कोई जरूरी नहीं कि वो फ्राइड हो, चावल खाने से स्पेशली जो बच्चे कुछ चैट बॉक्स में लिख रहे कि हमारा वजन नहीं बढ़ रहा, तो उनको अपनी रोटी या चावल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए. अगर उनको अंदर से हेल्दी फील हो रहा, वजन नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप अंदर से हेल्दी फील कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आप उस बात को एक बहुत बड़ा इश्यू मत बनाइए कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना. क्योंकि ओवरवेट होने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है. पर हाँ, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग फील जरूर करना है. तो एक बैलेंस डाइट लेंगे तो सबसे नीचे हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हो गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा रोटी चावल के बाद इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना. उसके बाद पल्सेस एंड डेयरी, यानी कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स और दालें वगैरह. और सबसे कम मात्रा क्या होनी चाहिए हमारे खाने में, वो है शुगर यानी चीनी और फैट यानी वसा. तो ये इस चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे हर रोज हर मील में, तो हमें डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट. Thank you. So I think Dr. Shalini has explained very well कि हमें junk food avoid करना है और हम जितना healthy और balanced diet खाएंगे उतना ही हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छा है. Moving on to the next question. This question is for Dr. Sandeep. Dr. Sandeep, we would like to know that do children require revaccination? जो vaccination उनके इलाज के समय रह गई थी, क्या अब उन बच्चों को फिर से रीवैक्सीनेशन की जरूरत है? सो वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे के द्वारा हम बच्चों को कुछ गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं. सो एक्सपर्ट्स ने कुछ एज अप्रोप्रिएट टाइम बनाए हैं जिस वक्त कुछ वैक्सीन देनी चाहिए, जिनसे बच्चों को टीबी, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, इन बीमारियों से बचाया जा सकता है. लेकिन जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये वैक्सीनेशन हमें रोक देनी पड़ती है, क्योंकि यदि हम उनको वैक्सीनेशंस देते भी हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होती हैं. सो जब बच्चों का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और उसके बाद भी 6 महीने हमें वेट करना पड़ता है ताकि बच्चों का इम्यून सिस्टम वापस से नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम इन बच्चों को दोबारा से वो वैक्सीन जो कि ट्रीटमेंट के दौरान नहीं दे पाए थे वो देनी चाहिए. इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होती हैं जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें कि इवन ट्रीटमेंट से पहले जो वैक्सीन बच्चों को मिली है उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उस केस में हमें सारा का सारा वैक्सीन शेड्यूल दोबारा से देना पड़ता है. सो इन रूटीन सर्कमस्टेंसेस जो वैक्सीन मिस हुई हैं वो वैक्सीन हमें दोबारा देनी है, और सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि हमें सारी की सारी वैक्सीनेशन दोबारा करनी पड़ती है. राइट राइट. सो आई होप जिन लोगों ने ये सवाल पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर शालिनी. डॉक्टर शालिनी, वी वुड लाइक टू नो
शुड बी टेक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ड्यूरिंग और आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट? बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है कि क्या हमें होम्योपैथिक, क्या हमें आयुर्वेदिक, क्या हमें किसी भी तरह का कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इलाज खत्म होने के बाद या इलाज के समय इस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या ये सही है? क्या हम इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ये क्वेश्चन आई थिंक काफी लोग पूछते हैं. तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब हमारी जो नॉलेज है वो एलोपैथी मेडिसिन के बारे में है, हम साइंटिफिकली ट्रायल्स के ऊपर जो भी दवाइयों का असर देखा गया है उसके बेसिस पे ही हम आपको कुछ अगर आउटकम बताते हैं या क्योर रेट्स बताते हैं, वो सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट ट्रायल्स के बेसिस पे है. तो हमारी नॉलेज इसी पे लिमिटेड है. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आयुर्वेदा या होम्योपैथी के बारे में बात कर सकूँ. मतलब मैं जानती हूँ कि ये हमारे देश की धरोहर है आयुर्वेदा, और इसमें बहुत कुछ पोटेंशियल है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको एडवाइस नहीं कर सकती. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की होती है कि हमारे देश में बहुत सारे क्वैक्स होते हैं. आप किससे ले रहे हो ये दवाई, ये उसकी जेन्युइननेस का हमें पता नहीं चल पाता. और कई बार होम्योपैथी की दवाइयाँ वो छोटी छोटी पुड़ियों में होती है, उसके ऊपर कुछ नाम भी नहीं लिखा होता है, कुछ दवाइयों पे नाम लिखा होता है. तो इसीलिए हम आपको स्पेशली जब ट्रीटमेंट चल रहा है तब हम चाहते हैं कि आप दूसरी कोई दवाई साथ में नहीं लें, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकती है. कीमोथेरेपी की दवाई के साथ उसका इंटरेक्शन भी हो सकता है. और यदि आप ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद यदि आप लेना चाहें तो आप पहले सबसे पहले इस चीज को एश्योर करें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो एक जेन्युइन क्वालिफाइड बंदा है और उसकी दवाई जेन्युइन है, और आप खुद उसके बारे में पता लगाएं, क्योंकि हमारी तरफ से हम आपको एडवाइस नहीं कर सकते. और ट्रीटमेंट के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं. कई बार हमने ये भी देखा है कि उसमें दवाइयों में स्टीरॉयड डाल देते हैं और स्टीरॉयड की वजह से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लोगों की किडनी भी खराब हो जाती है. बहुत सारी ऐसी चीजें हमने सुनी है, ठीक है ना? तो इसीलिए हम जो ट्रीटमेंट के दौरान हम अवॉइड करते हैं बिल्कुल. थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कुछ सर्वाइवर्स ने एक ये क्वेरी भी रेस करी थी, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके भी मुझसे इस बारे में बात करते हैं, दैट हाउ टू हैंडल द सिंपैथी एंड एक्स्ट्रा केयर दैट आर लव्ड वंस शावर अपॉन अस, बिकॉज दिस समटाइम्स मेक्स देम फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड डिफरेंट. तो बहुत सारे ऐसे हमारे वॉरियर्स हैं जो मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि मैम हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट सिंपैथी, वी डोंट वांट टू बी फेल्ट डिफरेंट. ठीक है, हमें एक प्रॉब्लम थी, दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट वाज जस्ट अ चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, दैट वाज नॉट द होल स्टोरी. तो हम नहीं चाहते कि हमें डिफरेंटली ट्रीट किया जाए या हमें अलग से ट्रीट किया जाए. और कई बार मुझे हमें समझ भी नहीं आता कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हम कैसे रिएक्ट करें. तो उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, आप हर किसी का नजरिया नहीं बदल सकते हैं. अगर आप किसी की थॉट्स, किसी की बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं तो वो आप अपनी खुद की थॉट्स पे काम कर सकते हैं. यू कांट चेंज एनीवन एल्स. तो पहले तो आपको सबसे पहले इस बारे में बात करनी चाहिए. यू नीड टू टॉक टू पीपल जो आपको ऐसा फील करा रहे हैं. तो आप उनसे बैठ के बात करिए, ये जानने की कोशिश करिए कि उनके मन में ये सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, या वो अगर आपको एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा कंसर्न शो करते हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं. ज्यादातर केसेस में आपको पता लगेगा कि उनको आपकी बीमारी या आपके पास्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है चाइल्डहुड कैंसर क्या होता है या इट इज क्योरेबल. सो अ लॉट ऑफ टाइम इट इज बिकॉज देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन. तो उस वजह से वो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आपको ठीक से आपसे ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिट एंड टॉक विद देम एंड बी योर ओन एडवोकेट. आप अपने अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने इश्यूज के बारे में खुद से एडवोकेट कर सकते हैं. और एडवोकेट करने के लिए पहले आपको भी उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. सो यू शुड ऑल्सो नो द थिंग्स विच आई हैव गॉन थ्रू, उसमें से क्या ठीक इन्फॉर्मेशन है और क्या इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है. तो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question is for Gauri ma'am.
What's and the question? The question is, when a person gets cured, is there a risk that their offsprings can have cancer at any point of their time in his or her life? So, ये बहुत ही frequent last question है और ये एक concern है क्योंकि people don't know cancer क्यों होता है. So, pediatric cancers में ये देखा गया है कि 95% of cancers they are not inherited. That means they are sporadic. मतलब by chance हो जाते हैं, अकस्मात हो जाते हैं. इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है. करीब 1% कैंसर होते हैं, 1% इन विच देर इज सम फैमिली हिस्ट्री. इसका मतलब कि परिवार में और भी यंग लोगों को, यंग जब हम कहते हैं तो मींस लेस देन 45 इयर्स ऑफ एज. तो अगर लेस देन 45 इयर्स ऑफ एज में एक से ज्यादा लोगों को परिवार में कैंसर होता है तो जरूर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, तो वो फिर आपको समझाएंगे कि रिस्क है या रिस्क नहीं है. बट आम तौर पे रिस्क नहीं होता है और भाई बहन में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है. बट कोई स्पेशल सिचुएशंस हो सकती हैं जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ यू आर सेफ. I think that will bring relief into a lot of parents and survivors' mind. बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था, because most of them are now adults now. तो काफी सारे सवाल इनके दिमाग में आते हैं. So this brings us to the end of the question answers round. I hope that we were able to answer your queries. And अगर हमसे कुछ queries रह गई हो, तो हम अभी chat box के लिए we are looking at the chat box and in between if we find time. हम आपके उन क्वेश्चंस को भी आंसर करने की कोशिश करेंगे. मूविंग अहेड, हमारे सर्वाइवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है. हमारे तीन सर्वाइवर्स प्रतीक, आर्या और पूजा ने मिलकर एक पोयम रेसिटेशन किया है. दैट पोयम इज बाय सर अमिताभ बच्चन और पोयम का टाइटल है तुम मुझको कब तक रोकोगे. It has been recording beautifully, so let's see and enjoy the song. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझे दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ. शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे. इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है. तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है. मैं सागर से भी गहरा हूँ. तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं. तुम मुझको कब तक रोकोगे. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं. अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं. तुम हालातों की भट्टी में
जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Very nice. Excellent. मूविंग अहेड। सो जब हमने आशाएं फॉर्म किया तो हमने आशाएं मेंबर्स के लिए एक मेंबरशिप फॉर्म भी बनाया था, जिसके अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे सर्वाइवर्स और वॉरियर्स जो इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमने उन्हें एक फॉर्म फॉरवर्ड किया था जिसके अंदर उन्होंने अपनी ये सारी क्वेरीज हमारे साथ शेयर करी हैं। उन्हीं कुछ क्वेरीज में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज रेज करना चाहूंगी जिसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उनमें से कई बच्चे ये जानना चाहते थे दैट व्हाट शुड आई डू टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट चाइल्डहुड कैंसर इन माय विलेज। वो अपने विलेज में कुछ करना चाहते हैं, चाइल्डहुड कैंसर के बारे में अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं। कई सर्वाइवर्स ये भी जानना चाहते हैं दैट व्हाट दे कैन डू टुगेदर टू हेल्प दोज हु आर ऑन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के समय वो लोग ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट्स को और उनके पेरेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्सो दे वॉन्टेड टू नो दैट इफ वी कैन हैव अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म दैट विल कनेक्ट अस इन एन इफेक्टिव वे एंड फ्रॉम वेयर वी कैन कीप ऑन शेयरिंग आवर स्टोरीज experiences in public so that people get mental strength and motivation, especially those who are undergoing treatment and their loved ones. So, inhi sab issues ko address karne ke liye hamare saath hain Pooja Neelkanthan, jo Aashaen ki team leader hain. To main Pooja ko introduce karna chahungi. Pooja hamari Aashaen leader hain aur childhood cancer warrior hain. Dr. Pooja is an Ayurvedic physician working with the Arya Vaidya Pharmacy Coimbatore. She is off therapy since 15 years and was diagnosed when she was in 7th standard. We welcome you, Pooja, and you can take forward from here. Thank you so much, Ayushidi. आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आज के दिन आप सब वक्त निकाल कर आए। हमें बहुत उत्साह मिलता है कि हमने जो कुछ आइडियाज से एक ये शुरू किया था, हम अपना पहला वर्चुअल प्रोग्राम आज सपोर्ट ग्रुप का कर रहे हैं और इतने लोग हैं हमें सपोर्ट करने के लिए और हम भी काफी कुछ सीख रहे हैं और जरूर आप भी सीख रहे होंगे। तो आशाएं, जो जैसे आयुषी दी ने कहा, कुछ करीबन एक साल के अंदर हमने पहले ये शुरू किया था जब ये फॉर्म भरे थे और हमने ये ग्रुप बनाया था। तो टेक यू थ्रू द जर्नी कि ये सपोर्ट ग्रुप का आइडिया जो गौरी मैम का था और जो पूरे पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी टीम का था, ये कैसे बढ़कर आज यहाँ तक पहुँचा है। सो ये एक चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स की ओर से एक सपोर्ट ग्रुप है, सक्षम नेक्स्ट लाइन, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में है, उसके अंदर आता है। तो वॉट इज आवर मिशन, हम करना क्या चाहते हैं ये ग्रुप बना के, या हम क्यों इकट्ठा हुए हैं एक इस बैनर के अंदर, वाई डू वी होप सो। तो ये जो ग्रुप है, ये चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स को गाइड करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमने बनाया है। हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रह सके। सिर्फ ट्रीटमेंट या ऑफ ट्रीटमेंट की बात नहीं है, किसी भी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आगे की लाइफ हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे के साथ रहें। वैसे ही हम ये चाइल्डहुड कैंसर या ये बच्चों में जो बीमारी फैल रही है इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलके जो हमने फेस किया है, जो हमने कुछ नॉलेज गेन किया है थ्रू आवर ट्रीटमेंट, वो हम बाकी लोगों तक पहुंचा सके। इस बीमारी के बारे में काफी ऐसे मिथ्स हैं, काफी ऐसी चीजें हैं जो लोग ठीक से जानते नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो उन चीजों को हम क्लियर कर सके। जो बच्चे और उनके फैमिलीज अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जब मेंटेनेंस फेस में हैं, तो कंटिन्यूस इंट्रैक्शन उनका हमारे साथ बना रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकें, हम इससे उनकी उम्मीद हमेशा बनाए रखें। क्योंकि जैसे गौरी मैम ने कहा, आयुषी दी ने भी कहा था, बीइंग पॉजिटिव, वो स्ट्रेस फ्री रहना, जो हम अभी कोविड के लिए बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे भी बहुत जरूरी है। तो ये है हमारा मिशन, तो जरूर हम
आप सबके सपोर्ट के साथ ये कर सकते हैं. लेकिन हमारे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है हमारा टीम वहां पे, गौरी मैम, शालिनी मैम, संदीप सर और आयुषी दी, क्योंकि इस टीम के बिना हम आशाएं कभी बनाते नहीं. मतलब मैं 14 साल पहले की बात करूंगी, जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ था और मेंटेनेंस 5 साल का रहता है, तो हम जाते रहते हैं और हमेशा तब से मैं सुन रही हूँ, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, मतलब जो हमें मिला है वो हम दे सकें तो बहुत बड़ी बात है. तो ये हमारे इंस्पिरेशन है. आई थिंक मेरी पूरी टीम ये मानेगी कि सिर्फ इन लोगों की वजह से आज हम ये कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. इन्हीं के साथ कुछ और लोग हैं जो हम जानते हैं, जिनके बिना हमारा ना ट्रीटमेंट, ना ऑफ मेंटेनेंस, ना उसके बाद का कोई जर्नी कंप्लीट हो सकता है. तो वो जो है हमारा स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ है, जो हमारे पिलर्स रहे हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ऑल द नर्सिंग स्टाफ, द डायबिटिस्ट एंड एवरी ईच एंड एवरी हाउसकीपिंग स्टाफ देयर. एंड अब मैं आपको ले जाना चाहती हूँ उस माइलस्टोन्स के थ्रू. तो मुझे याद है 2004 में जब मेरा ट्रीटमेंट चलता था, तो वहाँ हॉस्पिटल के पुराने बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ 50 लोग भी शायद नहीं होते थे, पर गौरी मैम अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालती थी और हम एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते थे. उस टाइम से हम एक ऐसे टाइम पे पहुंचे, ये कंटिन्यू हो रहा है पीरियोडिकली, बट सेलिब्रेटिंग लाइफ करके, जो हमारे काफी सर्वाइवर्स और वॉरियर्स ज्वाइन कर चुके हैं ऑल्टरनेट ईयर्स में फ्रॉम 2013 टू 2019, जो हमने एक वेन्यू ऑर्गेनाइज हायर करके बाहर किया था ताकि हम सब इकट्ठा हो सके, अपना एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, अपने लाइफ सेलिब्रेट कर सके, अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सके. आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा टीम वर्चुअली ये होस्ट कर रहा है. सो अब ये देखने की जरूरत नहीं हम दिल्ली पहुंच पाए कि नहीं. मतलब पिछली बार भी काफी ऐसे कॉल्स आए थे, यार हम प्लान कर रहे थे, हम पहुंच नहीं पाए. सो वी वॉन्ट टू बी, वी वॉन्ट टू गेट बैक, वी वॉन्ट टू सपोर्ट. तो इस ये जो चीज है, हम वर्चुअली ये एक लिमिटेशन को जरूर कम कर सकते हैं. मैं चाहती हूँ कि जितने लोग आज यहाँ आए हैं और जो यही जज्बा हमारे साथ शेयर करते हैं, वो जरूर हमारे एक्टिविटीज में हम लोग के साथ ही ज्वाइन करें. यहाँ कोई लीडर नहीं है, कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, सब साथ मिलके काम कर रहे हैं. क्योंकि हम सितंबर में, जो चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, उस टाइम पर काफी एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं. नेक्स्ट, अब मैं आपको ले चलती हूँ, ये दो झलकियां हैं हमारे पुराने इवेंट्स की, सेलिब्रेटिंग लाइफ की. एंड फाइनली नेक्स्ट लाइन, हम आज हैं हमारे इस वर्चुअल चाहूंगी अपने कोर टीम को, जिन्होंने अभी कुछ हम 1-1.5 महीने से एक्टिवली काम कर रहे हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और फ्यूचर काफी प्लानिंग कर रहे हैं. सो आर्या, सान्या, रिशा, नेक्स्ट स्लाइड, निकिता, सक्षम, अब मेरी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पूजा. सो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एरियाज क्या है, मतलब किन वो क्या चीजें हैं जिनमें हम, जिनके थ्रू हम ये अवेयरनेस करना चाहते हैं या ये सपोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं. और ये है सोशल मीडिया, पेशेंट एंड पेरेंट सपोर्ट, न्यूज़लेटर एंड अवेयरनेस एंड एडवोकेसी. अब ये एक एक टीम के बारे में हमने आपस में काम बांट लिए, अगर हम सब करेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे. तो मैं चाहूंगी कि हर टीम के जो लीडर्स हैं वो आपको बताएं कि हम इस टीम में क्या करने वाले हैं और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले है सोशल मीडिया. रिशा, प्लीज जॉइन अस. इफ रिशा इज नॉट हियर, आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट टीम. ओके, सो बेसिकली मैं बता देती हूँ, ये नेटवर्क इश्यूज हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो हेलो, कैन यू हियर मी? या ओके. हाय रिशा, वेलकम. हेलो एवरीवन, आई एम रिशा. आई एम रिशा. रिशा, यू कैन कंटिन्यू. या श्योर. सो सोशल मीडिया में ये है, रिशा ने 1 महीने में काफी मेहनत की है, हमारा फेसबुक पेज बनाया है, इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया है आशाएं का, जिस सबकी डिटेल्स इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको मिलेंगे, जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं.
तो हमारा एम ये है कि हम कैंसर के बारे में, चाइल्डहुड कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें. हमारा आगे का फ्यूचर प्लान ये है कि इसमें हम एक एक कैंसर के ऊपर जो मिथ्स है, जो फैक्ट्स है, उसको प्रेजेंट करें, और हो सके तो जरूर हम कर पाएंगे. हमारा ही, हमारे, हम में से एक की स्टोरी, उस कैंसर से रिलेटेड एक दो लोगों की स्टोरी, एक एक्सपीरियंस हम शेयर करें, ताकि हम लोगों को हौसला दे सके, उनके हौसला बढ़ाए, उनका हौसला बढ़ा सके, ये बता सकें कि इट इज क्योरेबल, इट इज कम्प्लीटली क्योरेबल एंड वी हैव गॉन थ्रू इट. नेक्स्ट टीम इज, हाँ, और डेफिनेटली वो नाम नहीं भूलूंगी जो ये एडिटिंग में और इन सब में उनके साथ रहे हैं इस दौरान, राहुल और आर्या. एंड नेक्स्ट इज द पेशेंट एंड पेरेंट सपोर्ट, जिसके बारे में सानिया आपको बताऊंगी, सानिया बताएंगी आपको. सानिया, हेलो, ये ऑडिबल सानिया, कंटिन्यू. हेलो एवरीवन, आई एम सानिया एंड आई एम 21, और अभी रिसेंटली मैंने साइकोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है एंड 2010 से मैं ऑफ ट्रीटमेंट हूँ. सो मेरे टीम मेंबर्स हैं जतिन, कनव, सिद्धार्थ एंड पायल. हम सब एक्टिवली पेरेंट एंड पेशेंट सपोर्ट सर्विस ग्रुप पे वर्क कर रहे हैं. हमारा मेजर एम ये है कि जो भी पेरेंट्स है या पेशेंट्स है, उनके कोई भी क्वेरीज हैं अगर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट या कोई भी प्रोसीजर, तो हम उनके वो क्वेरी सॉल्व करना चाहेंगे. इसके अलावा हम ऑनलाइन और ऑफलाइन लगातार कुछ सेशंस कंडक्ट करेंगे, जैसे कि बॉडी इमेज इश्यूज या फिर सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर, ताकि हम टाइम टू टाइम पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके. इसके अलावा बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट्स फेस करते हैं इन देयर एकेडमिक्स, या उन्हें आगे करियर के बारे में भी जानना होता है, तो हम उससे रिलेटेड इश्यूज को भी सॉल्व करेंगे. एंड हम ट्राई करेंगे कि हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ सेशंस कंडक्ट करें, ताकि हम उनका कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन भी बढ़ा सके, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है. ये सारे जो हम सेशंस लेंगे, ये सिर्फ ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए नहीं है. अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो, जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, हम उनके लिए भी इस तरीके के सेशंस कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो जो भी पेशेंट्स या पेरेंट्स अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या उनके कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो हमें एंड में जब हम ईमेल शेयर करेंगे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. अगले टीम के साथ बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी ऋषा दो शब्द शेयर करें सोशल मीडिया के बारे में. एंड शी इज ऑनलाइन. ऋषा, यस, हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So I'm Risha, and I've been off therapy since 2019, and I've been pursuing law and journalism, and मैं social media leader हूँ, and मेरे members Rahul and Arya हैं, जो मुझे सारे material में help करते हैं. So our main motto will be like to create awareness, because you know awareness है इंडिया में क्योंकि चाइल्डहुड कैंसर है, बट वेन वी सी सोशल मीडिया देर आर नॉट मेनी सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे कैंसर के बारे में बताते हैं या अवेयरनेस है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अडल्ट कैंसर के बारे में बताया गया है. सो हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हम लोग कैंसर के बारे में बताएं, डीबंक मिथ्स एंड फैक्ट्स बताएं, एंड उसके बाद एक कैंसर को लेके उसके बाद हम एक सर्वाइवल स्टोरी शेयर करेंगे, एंड हम डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव भी शेयर करेंगे एंड नर्सेस की स्टोरी भी शेयर करेंगे. एंड एज वी से दैट इट टेक्स एन आर्मी टू क्रिएट टू क्योर पेशेंट्स. सो हम सब, मतलब मैं अलग अलग मैं बाकी लीडर्स के साथ सोशल मीडिया पे वर्क करूंगी. थैंक यू ऋषा. अगला हमारा जो फोकस एरिया है वो है न्यूज़लेटर, एंड मैं चाहूंगी कि सक्षम और निकिता उसके बारे में आपको बताएं.
Hi everyone, I'm Nikita. I'm off therapy from past 15 years. I'm working as an engineer right now as my other profession. But currently I'm part of a newsletter team and the main leader of Ashine. So basically I handle the content and data of the newsletter. I think in the end of the presentation, we will be launching our first newsletter and you will know more about it when you will look into it. So the future perspective of newsletter is currently हम लोगों ने सोचा है कि तीन चार महीने में एक newsletter आएगा, but on the basis of your reviews and your response and if you guys want to share your data, your success stories, your achievements, your survivor stories, your parents want to share anything, any kind of information, you can directly contact us and on the basis of all that, we will take care of it. Or probably we can give you a monthly newsletter. And yeah, we hope to do that. So you can contact us. We will send you the email ID after that. And yeah, that's all about it. Thank you. Thank you, Nikita. And before we move ahead, हमारे आगे का जो हम discuss करने से पहले, हमें बहुत खुशी है कि हम कम समय में अपना पहला newsletter तैयार कर पाए हैं. सो आई हैंड इट ओवर टू आयुषी डी एंड सक्षम टू लॉन्च इट राइट नाउ. कैन वी हैव द न्यूज़लेटर? सो वी वुड लाइक टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ आवर न्यूज़लेटर. और अभी शेयर करने के बाद हम इस न्यूज़लेटर को हमारे व्हाट्सएप, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर करेंगे. Given a chance, हम कुछ इसकी प्रिंट कॉपीज भी प्रिंट करवाना चाहेंगे. एंड देन दोज वुड लाइक टू हैव अ प्रिंट कॉपी, दे कैन हैव अ प्रिंट कॉपी टू. बट अभी के लिए इट इज गोइंग टू बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो हियर गोज आवर न्यूज़लेटर, आवर फर्स्ट न्यूज़लेटर बाय आशा. कांग्रेचुलेशंस, वंडरफुल, एक्सीलेंट इनिशिएटिव. द कवर पेज हैज बीन डिजाइंड बाय डॉली मेहरा. She is very artistic. तो उन्होंने हमारे newsletter का जो पहला पेज है वो डॉली ने डिजाइन किया है. We have article from Dr. Gauri, of course. We have a special message from Julia Shalinar from California. She has given her best wishes for our group, Ashay. And then Saksham, जो newsletter team के leader है, one of the leaders, उन्होंने अपनी story. और Shikha Jain, she has shared her success stories with us in the newsletter. और हमारे दो बहुत ही अच्छे बच्चे जिन्होंने दो बहुत ही major achievements अचीव की हैं, देविशा त्यागी, she is class 10th CBSE topper in her state, scoring 98.4. और एक हमारी छोटी survivor है शुभेक्षा, she has received best cinematic face award from a company in Mumbai. So we have achievements from our survivors and then some of the events which were held कुछ महीनों में जो हमारे इवेंट्स हुए थे उसकी कुछ फोटोग्राफ्स इस न्यूज़लेटर में हैं. वी वुड लव टू हैव मोर आर्टिकल्स, मोर इनपुट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, अदर प्रोफेशनल्स जो हमारे न्यूज़लेटर में और कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेंशनड ईमेल आईडीज पे, ashine.rgcirc@gmail.com. So I would again like to thank Saksham, Nikita, Dolly, and Shikha for their great work. Thank you so much. एक बार email ID display हो सकता है? Email ID display हो सकता है? और कुछ लोग पूछ रहे हैं how to join? वो भी email ID display हो जाए कहीं पर? Yes, मैम, अभी वो PPT में अभी आ रहा है last page में, so उसके बाद chat box में भी डाल देंगे. ठीक है. Yeah, Pooja, you can continue with the PPT so that everyone can see the email ID clearly. Saksham, we'll move on. So the next group we have, yeah, that's fine. So our agla jo ek team hai, that is on awareness and advocacy, jo Arya lead kar rahi hai and I'm supporting her. So main chahungi that Arya explain kare aapko ki hum usme karna kya chahte hain. How are we trying going to take it forward? So hello everyone. I'm Arya and I'm off therapy since 2002. Right now I'm pursuing MCA and also working as an admin in Delhi Public School, Muzaffarpur. Main aur Pooja, we both work as a team in order to create awareness and advocacy related to childhood cancer.
हमारा एम है कि हम जनरल पब्लिक तक पहुंच पाएं, जिसके लिए फिलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही हो सकता है. सो इसलिए हम आशाएं सपोर्ट ग्रुप की बाकी टीम्स के साथ जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया और न्यूज़लेटर हैं उनके साथ जुड़ करके, और हमारा सोशल मीडिया पे अपडेट्स वगैरह आपको आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा. बहुत ही जल्द आशा करती हूँ कि हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप तक रीच कर पाएं. सो आगे बढ़ते हुए मैं हमारा एजेंडा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. तो हमारा पहला एजेंडा है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ कैंसर केयर. ऑल्सो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स की स्टोरी आप तक पहुंचा पाए, जिससे वो एक मोटिवेशन बन पाए कि चाइल्डहुड कैंसर मैक्सिमम केसेस में क्योरेबल है पूरी तरीके से. इसके अलावा हम कैंसर स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे. देन हम रेगुलर बेसिस पे हमारे ऑन ट्रीटमेंट वॉरियर्स, उनके पेरेंट्स और सर्वाइवर्स की क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे. एंड ऑफकोर्स हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबों को चाइल्डहुड कैंसर की इतनी इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे दे पाए कि आने वाले दिनों में हम सब और ज्यादा अवेयर हो सके और हम चाइल्डहुड कैंसर से रिलेटेड मिथ्स को तोड़ पाए. हमें बहुत खुशी होगी अगर आप में से कोई भी चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर किसी भी तरह से वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए हमें, जिसके लिए आप हमें हमारे आशाएं सपोर्ट ग्रुप के मेल आईडी के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. That's all from my side. Thank you so much. Thank you so much, Arya. And so, ये हमारे कुछ initiatives हैं जो हम चाहेंगे कि और लोग हमारे साथ जुड़े. तो please follow. ये हमारा है, हमने सिर्फ शुरू किया है, आप सब इसके हिस्सा हो. तो आशाएं का Instagram page और Facebook page जरूर follow कीजिए, उसको spread कीजिए, उसमें जो messages आ रहे हैं. एंड न्यूज़लेटर में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ईमेल आईडी वहाँ अवेलेबल है, चैट बॉक्स में भी निकिता ने डाल दिया है. ऑल्सो जितने लोग पूछ रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, आईसीडी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यू कैन ड्रॉप अस अ मेल ऑन आर ऑफिशियल आईडी aashaye.rgcir@gmail.com. वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वी विल एडजस्ट टू यू नो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. अगर आप क्लियरली लिख दें कि आपको किस में कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे. And then we can take your ideas, have your suggestions, and together do better. So thank you so much, Aashaye team and everyone जो आज हमारे साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए. इसी एक उम्मीद के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं कि हम जरूर कामयाब हों. Thank you so much. Thank you, Pooja. Thank you so much. That was beautifully presented. Excellent work, you guys. I'm so, so happy to be a part of this team. Great work, great work. So, आगे बढ़ते हैं. हम almost अपने program के end के towards move कर रहे हैं और end हमेशा शानदार होना चाहिए, grand होना चाहिए. Grand finale है तो कुछ grand चीजें होनी चाहिए. तो next we have is the dance performance. Dance performance by our survivors, by our warriors. जिसका थीम है इवन व्हेन अवे ऑलवेज इन सिंक. तो चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो हमेशा सिंक में रहना चाहिए. सूरज की बाहों में अब है. सो यू कैन हैव द डांस वीडियो एंड यू ऑल कैन एंजॉय द वीडियो एंड इफ पॉसिबल प्लीज डू टेक योर सेल्फीज एंड पोस्ट इट ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस. होप यू एंजॉय इट. सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी. सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी. जो ही बदली दिल की ताल है आहा, आया एक ख्याल है आहा. बांटे हमें जिंदगी एक बार, क्यों ना करें कोई हम इसको प्यार. जाने किसका है हमें इंतजार कि जिंदगी यही है और यही. जो भी कल तक बस
पागल है मैं और तू हर कहीं सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितने है सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितने है सांसों में बातों में रोशनी जो बन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी नए नए रास्ते जो चुन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी पल पल में चलती हो झूम के चलती हो वो है जिंदगी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी पाते हमें जिंदगी एक बार क्यों न करे खुद हम इसको प्यार जाने किसका है हमें इंतजार कि जिंदगी यही है और यही सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की अब है कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की अब है कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी Awesome. I would like to thank all the participants जिन्होंने अपना वीडियोस बना के भेजा बहुत किसी किसी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी बहुत बोलना पड़ा वीडियोस भेजने के लिए बहुत करेक्शंस करवाए हमने वीडियो पे I think they all have been very patient with me. So thank you all the participants for participating. We have our chairperson Mr. Chopra with us. So if he would like to say a few words. Sir, please put your video on so we can unmute you. Okay. Gauri ma'am would like to address him or something? Yeah, he's there. Okay. Hello? Okay. Hello, yeah, sir. Can you hear me? Yeah, good. I was afraid that why I kept my video off and my mute on was I was afraid of this that you'd ask me to say a few words. But anyway, wonderful to all of you, Gauri, Dr. Sandeep Jain, Shalini, you again excelled yourself. You really keep the RGCI flag very high. You do fantastic programs. And this is another wonderful initiative. And it's lovely to see all the kids. They are really the ones who have participated and are taking it forward. So all I can say is God bless and well done and thank you. Thank you for your kind words, sir. Saksham. अब बारी आती है हमारे एक छोटे से सरप्राइज की वो सरप्राइज जो शायद कुछ वॉरियर्स को पता है और बहुत सारे लोगों के लिए एक्चुअली में सरप्राइज होने वाला है सो इट्स अ स्मॉल वीडियो बाय सम वेरी स्पेशल पीपल फॉर ऑल यू वॉरियर्स आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज बहुत स्पेशल लोगों के द्वारा
मैं डॉक्टर चिंतन. आई एम डॉक्टर सेकी. मैं डॉक्टर राहुल शर्मा. मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका सोनी. आई एम डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य. हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पायल है. मेरा नाम डॉक्टर विनीत आनंद. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सर? डियर चिल्ड्रन, नमस्ते. So I think it was some technical error. Saksham is going to restart the video. Can we all put our videos off for just few seconds? That will be great. मैं डॉक्टर चिंतन. आई एम डॉक्टर सेकी. मैं डॉक्टर राहुल शर्मा. मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका सोनी. आई एम डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य. हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पायल है. मेरा नाम डॉक्टर विनीत आनंद. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सर? डियर चिल्ड्रन, नमस्ते. मैं डॉक्टर माइन धमीजा. अ बिग हाई फ्रॉम माय साइड फर्स्ट ऑफ ऑल. आज इस देश को और दुनिया को आप जैसे योद्धाओं के प्रोत्साहन की जरूरत है. आपकी रोशनी से पूरा देश जगमगा उठे, चाहे कितना भी अंधेरा हमारे सामने भी दिख रहा हो. एंड आई थिंक जिस स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी के साथ आपने इस डिजीज को ओवरकम किया है, आई थिंक उससे उन बच्चों को काफ़ी होप और एनर्जी मिलती है जो इस वक्त इस कैंसर की लड़ाई से लड़ रहे हैं. So I really wish you all a very healthy and happy life. So stay strong, stay positive and keep following your dreams. ये जो हम सभी को अजीज है, ये जो पेड़ बनते बीज हैं, किसी डर से भी वो ना डरे, फिर कैंसर क्या चीज़ है. अपनों का आशीर्वाद था, आत्मबल का साथ था, बस जीतने की बात थी, कैंसर को तुमने मात दी. ये प्रेरणा हम सब की है, इसमें चेतना गजब की है. हर प्रहार को गुपचुप सहा, कभी दर्द पर कुछ ना कहा. ये हौसलों की खान है, संघर्ष की पहचान है. आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है जिंदगी में. I would like to express my heartfelt gratitude to Dr. Gauri Kapoor ma'am, to Dr. Sandeep Jain sir, and Dr. Shalini Mishra ma'am, and the entire team of RGCI, the Pediatric Oncology Unit, for not only spreading smiles among the kids, but also paving our way to bring hope and joy in the future of such kids. Thank you. मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी that people say that life is very short, ज़िंदगी बहुत छोटी है. पर मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत लंबी है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. And in the end, I would want to salute the families and the parents of you people who are behind the success stories of you and of us. Love you all. मैं होप करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अपने जीवन काल में खुश हैं और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि आप सब हमारे वॉरियर्स हैं. आप उसको यही मैसेज देंगे कि चाइल्डहुड कैंसर क्योरेबल है और इसका नियमित रूप से इलाज के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है. एक्चुअली हमने ही कितनी बार आपसे सीखा है कि लाइफ कैसे जीना चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे फेस करना चाहिए. तो हर हमेशा अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको इंस्पायर करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि शायद लाइफ की इम्पोर्टेंस आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता. इफ लाइफ इज अ डेजर्ट, यू हैव वेल अर्न्ड इट, यू डिजर्व इट, रिलिश इट. Make your life useful. Make your life worth. You are a fighter. Stay strong. Best wishes. Since you have achieved this rare feat, I am sure that no exam in this world would be more difficult than what you have already passed. I wish best of luck to all your future endeavors and pray to God that all your wishes in life gets fulfilled. Thank you.
तुम आंधी हो, तुम तूफान हो, सुनामी तक जिसे हिला ना पाए, तुम वो मजबूत चट्टान हो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड प्लीज स्टे एज स्ट्रॉन्ग एज यू हैव बीन ऑलवेज। यू हैव क्रॉस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ टिल नाउ विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड विद अ लॉट ऑफ स्माइल्स एंड यू आर सक्सेसफुल इन दिस एंड आई होप दैट ऑल द हर्डल्स विच कम इन योर लाइफ यू विल क्रॉस एज सक्सेसफुली एंड विद इक्वली बिग स्माइल्स। I hope you all like the surprise. बहुत सारे लोगों ने हमें चैट में messages किए हैं. They're so happy to see old faces, old doctors. So I think this, it must have been very pleasant for many of us. Yeah. 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 Definitely. So with this, we are about to end our first online support group meeting of Ashaye by Ashaye by the Department of Pediatric Oncology. So before I go for the vote of thanks, main aap sab se request karungi ki jinhone bhi apna video off kiya hua hai, if they are please comfortable, aap apna video on kar lijiye. We would like to take some screenshots, kuch photos lena chahenge. So if you are comfortable sharing your video screen, हमारे को मेंबर्स, हमारे टीम लीडर्स कुछ ग्रुप फोटोज ले सकते हैं। जस्ट लेट मी नो हु इज गोइंग टू टेक द फोटोग्राफ। सक्षम, आर यू गोइंग टू डू इट? ओके ओके ओके। सो is Dr. Shalini here? I'll try to take the screenshots. So okay, ma'am. Okay. Arya, we can't see your video. Rakesh Chopra says, it's just for a minute, guys. Just for a minute. Just for a minute. One more My person. My video is on. If you can see it now. Is it okay? Yes, yes, Arya. And one more person should take screenshots, whoever is on laptop, so that in case doesn't come out, then okay, ready? Let me check it's come or not. It's so good to see so many faces. I'm also taking screenshots from my phone, trying to take as many as possible. I'm going to move on to the next set of people. Okay, once more smile. Chairman sir is also there. Everybody please smile. It takes me a little bit time. Pooja, Arya, Shipra Arya, Inderpreet Singh Bakshi, Aditya Khandelwal, please put on your videos. Aya Khan, please put Apo A83, please put on your video. Pooja Neelakantan, Arya, Risha, please put on your video. Otherwise, we'll have some blanks in between. Aditya Khandelwal, Inderpreet Singh Bakshi. Okay, ready, smile. So I'm moving to the next set of people because it takes only a limited number. I will tell the names, please put on your videos. Ananya Jain, Poonam Chopra ma'am, Shah Zeb, Padma Neelakantan ma'am, Atish Tanna has got his video on. Sudhanshu Bhushan, Vineet Anand, Shuja Hussain, Ishan Kalonia, Arjun Gupta is there, Mayank, Manu Sharma, Rana Paryant, Aman,
Nitin Kumar, please put on your videos. Shahzeb, 992161. Dr. Vineet, please put on your video. Oh, this keeps moving depending on who has put their videos on. Doesn't matter. I'll just take a... Okay, ready? We have some more people there. Maybe take just take 2 more minutes. As many as we can take. Next, lot of people. Ujjwal. Achha, I can see. Vivek Tripathi, please put on your video. Sankalp Kumar, Jasmine, Hashim Hussain, Dr. Payal, can you please put on your video? Aman, Galaxy J7 Prime, I don't know who that is. Okay, ready? I'm going to take a screenshot. Whoever is there will take a screenshot. Great. Dr. Chintan, can you please put on your video? Rajesh Madhavan. Rania Khan, please put on your videos. We'll just take a quick... Dr. Payal, please put on your video on. Dr. Pinky Adab, ma'am, please put on your video. We'd like to take a screenshot. Tushar Tokas, Bhumi Jindal, Sanjeev Suhag. Nobody wants to show their video. Okay, no problem. I think then whoever had their videos on, we've taken some shots. Okay. Yeah. Okay. Okay. Hold on. Shani, I have also taken few screenshots along great, with you. Great. Good, ma'am. Very nice. Payal, okay. Just stay there. Okay, Jatin, I can. Great. Aman also, I can. Nice to see everybody. So, can I move ahead? Yes. Yes, Ayushi. Okay. So in the end, thank you so much. Thank you everyone who took out their time and attended this session. Thank you so much. Saksham, if you can please put up the list for vote of thanks, I would like to deliver the vote of thanks. So, starting with, I would like to thank Vegitard, CEO of RGCIRC. Thank you, sir, for gracing the occasion. I would like to thank our panelists, Dr. Gauri, Dr. Sandeep, Dr. Shalini. Thank you for the very wonderful, insightful session. Special thanks to Empure Pharmaceuticals, especially Rahul and Mandar sir, for helping us with backdrop designing, invites, and Zoom link. Thank you so much. Special thanks to our team leaders, Saksham, Pooja, Arya, Nikita, Sanya, Risha. Thank you so much. This wouldn't have been possible without your efforts. Thank you so much, guys. Pooja Sharma, for helping me out for the bulk SMS list. RGCIRC marketing team, Prashant and Preeti, who were helping us with updating the website and with the other invites to be sent to our participants. Julia Shalinar for the message in the newsletter. She's the visiting faculty to our Department of Pediatrics. For the newsletter's coverage page and artwork, I would like to thank Dolly Mehra for the wonderful artwork that she has contributed for our newsletter.
Pooja Neelkanthan, thank you so much for the wonderful PPT. Very attractive, I must say. Rahul Sharma, our warrior, for designing the program details poster and also Ashai's logo. Thank you to all the participants, Prateek, Pooja, Arya, Ashish, Ishan, Aditya, Ayush, Vani, Vineet, Saksham, Sanya, Shrishti, Smriti, Shikha, Risha, Nikita, Payal. I hope I have included everyone and I haven't missed anyone. Thank you so much. Thank you so much for participating. Vive Pixel by Ashish Uppal for the dance video editing. The exercise video editing has been done by Saksham. The poetry video has been edited by Prateek. Mcure, Deepak and Piyush from RGCI for the alumni message video editing. Thank you so much. We would like to thank our physiotherapist, Dr. Navneet and Dr. Rashmi, for teaching our warriors, making them learn how to do such amazing exercises. And I hope they continue to do the same. Thank you so much for your valuable time. I would like to thank our alumni, Dr. Chintan, Dr. Silky, Dr. Priyanka Soni, Dr. Payal, Dr. Arushi, Dr. Akanksha, Dr. Dipankar, Dr. Rahul, Dr. Vineet, Dr. Mayang, Dr. Anshul, and Dr. Kunal for their kind words and such inspirational messages. I'm sure our warriors have been very emotional and very overwhelmed listening to all such messages. And last but not the least, thank you all for attending this virtual meeting today. Thank you. So I think this brings us to the end of our session. Hopefully, और आप में से और सारे लोग हमारे ग्रुप के साथ आशाएं के साथ जुड़ना चाहेंगे और जो लोग हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे सर्वाइवर्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन्ड ईमेल आईडीज पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. एनी वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर गौरी और डॉक्टर संदीप? I think, Ayushi, this was a very good initiative and very well conducted. Jitna mehnat aap logon ne kiya hai, it is clearly evident. And I really congratulate all of you for doing this wonderful show. Good. Thank you. I really enjoyed working with all of you. And Ayushi, despite all little bit troubles in the last 1 week, still she managed to really pull it off very well. Each of you warriors really were awesome. Simply awesome. So much effort. Thank you so much for your kind words. I think this wouldn't have been possible without the constant support of our team from Dr. Gauri, Dr. Sandeep, Dr. Shalini, and of course our team leaders. Thank you so much. Thank you everyone for joining in. Okay we'll thank wait. You we'll I think wait. It's working out. Thank you, so wonderful job, and let's not keep this as a one-off event. I think it showed beautiful teamwork, and I think Ayushi has been able to gel everybody together and have a team. I hope we now have timelines and we can really push the agenda of childhood cancer awareness and advocacy and all forward. God bless you all. It was wonderful. Absolutely. Congratulations. Thank you so much. Sir, would you like to say something? No, I think Ashaya team is a wonderful initiative and a great job. And team Ashaya, keep it up. And God bless all of you. Thank you so much, sir. Especially for Saksham, he's so enthusiastic for everything. He managed the entire show so beautifully, right from his internet connection to downloading videos for everyone. I will do it. Anything you tell him, I will do it. Don't worry, I'll do it. Really, it's a 5-minute job for him. Anything is 5-minute job. Attitude ki baat hai. Attitude. Thank you, Saksham.
Great. So, okay. Have a good rest of the Sunday. Thank you. God bless all of you. Thank you, everyone. Have a good evening. Also, thank you, Shalini, for all this last minute coordination work. Absolutely. किसी भी प्रोग्राम में नमस्ते करना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम है. ओके, टेक केयर ऋषा पूजा. ओके, बाय. जुलो यहाँ. थैंक्स यार. बाय. भावना. बाय करो मैम को. आर्या. थैंक यू. बाय. बाय करो. यही रुको. तेरा दिल्ली भाविक. Okay. Ujwal, let's see if I can say all the names. Shikhar, Shuja, Deshav, Sanya, Alexa, Alexa from Nepal. Alexa from Nepal. Rahul, Tushar Tokas, Smriti, wonderful, Raghav, Ishan. Ishan, आपने तो कमाल कर दिया. Arya. बोला है. देखा? भाग रहे उधर. Ananya. I think we can end the meeting now. MQR team.